भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपया सहकारी बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। आरबीआई ने कहा कि उसने मुंबई हाई कोर्ट के 12 सितंबर 2017 के आदेश का पालन करते हुए रुपया सहकारी बैंक लिमिटेड पुणे का लाइसेंस रद्द कर दिया है। ये आदेश आज से 6 सप्ताह के बाद यानी 22 सितंबर 2022 से लागू होगा। आरबीआई ने कहा कि बैंक आज से 6 सप्ताह के बाद बैंकिंग कारोबार करना बंद कर देगा। आरबीआई ने कहा कि बैंक को बैंकिंग के कारोबार यानी ऑपरेशन से प्रतिबंधित किया जाएगा। इन प्रतिबंधों में लोगों का कैश जमा करना और जमा पैसों को चुकाना आदि शामिल है। बैंकिंग नियामक संस्था ने कहा कि सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार महाराष्ट्र से बैंक को बंद करने और बैंक के लिए एक लिक्विडेटर नियुक्त करने के लिए कहा है। रिजर्व बैंक ने कहा कि रुपया सहकारी बैंक का बैंकिंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया क्योंकि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं है। ये बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ धारा 11(1) और धारा 22(3)(d) के प्रावधानों के मुताबिक सही नहीं है। बैंक धारा की जरूरतों का पालन करने में विफल रहने के कारण ऐसा किया गया। ग्राहकों को उनके जमा का अधिकतम 5 लाख रुपए तक ही वापस मिलेगा। आरबीआई ने कहा कि बैंक को यदि डेटा के अनुसार 99% से अधिक जमाकर्ता DICGC अपनी जमा राशि को पाने के हकदार हैं।